तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं माइकल हेनरी के सामने चाकू लेकर खड़ा होता है। तभी हेनरी उसे कहता है, ऐसा करने पर मैं तुम्हें 10 साल और जेल के अंदर बंद करूंगा। लेकिन माइकल उसे कहता है, बस कुछ ही घंटों बाद मैं यहां से भागने जा रहा हूं। तभी वॉकी टॉकी पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज आती है। वह पुलिस इंस्पेक्टर ब्रांड के बारे में पूछ रहा था। तभी माइकल हेनरी को कहता है, तुम इस पुलिस ऑफिसर को कहो कि ब्रांड अपने घर पर गया है और वो सही सलामत है, उसे ढूंढना बंद कर दो। माइकल के हाथ में चाकू था, इसलिए हेनरी को उसकी बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद माइकल हेनरी को कुर्सी पर बिठाकर अच्छी तरह से बांध देता है। फिर माइकल हेनरी को कहता है, तुम अपने पुलिस ऑफिसर को कहो कि लिंकन को उसके कमरे से बाहर निकाल दो, दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए। और हेनरी ऐसा ही करता है। इसके बाद माइकल हेनरी को अलमारी के अंदर बंद कर देता है और उसके सिर पर जोरदार वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम पुलिस इंस्पेक्टर ब्रांड को देखते हैं जो पाइप के अंदर बैठा हुआ था और अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ माइकल भी अपने कमरे के अंदर वापस आ जाता है। उसे वापस आता हुआ देख फर्नांडो खुश हो जाता है क्योंकि कुछ ही समय बाद वह सभी यहाँ से भागने वाले थे। इसके बाद हमें चार्ली दिखाया जाता है जिसके पेट में बहुत बड़ा जख्म हो गया था और अपने आप वह जख्म को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन जख्म से खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। इसके बाद ब्रेक का टाइम हो जाता है। सभी कैदी अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और माइकल के कमरे में कपड़े इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं क्योंकि भागने के लिए उन्हें एक रस्सी की जरूरत थी और वो इसी कपड़े से यहाँ से भागने वाले थे। अब समय आ गया था इन सब के यहाँ से भागने का, इसलिए एक एक आदमी माइकल के कमरे में जाता है और उसके कमरे के अंदर बने होल के जरिए अंदर चला जाता है और उसके कमरे के बाहर पर्दा लगा दिया जाता है जिस कारण किसी को भी उन पर शक ना हो सके। दूसरी तरफ ब्रांड भी अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है और अपने मुंह से पट्टी निकालने की कोशिश कर रहा था और कुछ समय बाद वो कामयाब हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर माइकल का आदमी आ जाता है और उसके चेहरे को अच्छी तरह से ढक देता है ताकि किसी को भी उसकी आवाज ना सुने। वह सभी मिलकर ब्रांड को दोबारा से अच्छी तरह से बांध देते हैं। इसके बाद हम लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो जेल के अंदर दोबारा से आ जाती है और दरवाजे को खोल देती है और दरवाजा बंद किए बिना ही यहाँ से चली जाती है। इसके बाद माइकल की टीम बड़े से गटर के ढक्कन के नीचे खड़े होते हैं। यहाँ से उन्हें भागना था। दूसरी तरफ उन्हें लेने के लिए जहाज भी आ जाता है। तभी फायर अलार्म बजता है, सभी पागल कैदी बाहर आ जाते हैं। तभी एक आदमी सभी पागल मरीजों को अपनी तरफ आने का कह रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर माइकल और उसकी टीम भी पागल मरीजों के बीच चली जाती है क्योंकि उन्होंने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे कपड़े पागलों ने पहने हुए थे और खुद माइकल ने पुलिस इंस्पेक्टर के कपड़े पहने हुए थे ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। अगर किसी को शक भी हुआ तो माइकल उसे खुद ही संभाल लेगा क्योंकि इस जेल में बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर थे और हर एक पुलिस इंस्पेक्टर को पहचानना काफी मुश्किल था। जैसे ही माइकल और उसकी टीम कमरे के अंदर एंट्री करती है तब एक आदमी को उन पर शक हो जाता है। तभी माइकल उस आदमी की गर्दन पर इंजेक्शन चुभो देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम माइकल के भाई लिंकन को देखते हैं जिसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था और उसकी निगरानी के लिए वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर भी बैठा हुआ था। तभी माइकल और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है और लिंकन को छुड़ा लेती है। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर को बेहोश कर दिया जाता है। अब इनकी टीम पूरी हो चुकी थी, अब माइकल का भाई भी उसके साथ मिल चुका था। इसके बाद माइकल उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां से इन्होंने भागना था। तभी माइकल अपने भगवान को याद करता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है क्योंकि अब सारी गेम इस दरवाजे के ऊपर ही बनी हुई थी। लेकिन डॉक्टर ने दरवाजा पहले ही खोल दिया था इसलिए दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर माइकल को सुकून मिलता है। दूसरी तरफ हेनरी की असिस्टेंट देखती है कि हेनरी बहुत समय से बाहर नहीं आया क्योंकि आज उसकी बीवी का जन्मदिन था और हेनरी को घर जल्दी जाना था, इसलिए सेक्रेटरी हेनरी को देखने के लिए कमरे के अंदर जाती है लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं था। दूसरी तरफ माइकल और उसकी टीम के भागने में अब सिर्फ उनके सामने एक लोहे की जाली थी। फिर वे सभी मिलकर उस लोहे की जाली को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और बहुत समय तक कोशिश करने के बाद वो कामयाब हो जाते हैं और जाली टूट जाती है।
कुछ समय बाद वहां पर वह पागल आदमी भी आ जाता है जो पहले माइकल के कमरे में रह कर गया था। फिर मजबूरन माइकल को उसे भी अपने साथ मिलाना पड़ता है। वह पागल कहता है, अगर आप लोग मुझे यहां से अपने साथ लेकर नहीं गए तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। इसलिए उससे भी माइकल के साथ माइकल को मिलाना ही पड़ता है। इन सभी को सिर्फ एक रस्सी की मदद से दूसरी तरफ जाना था। बाहर जाकर उनकी एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। इसलिए सबसे पहले लिंकन रस्सी की मदद से दूसरी ओर पहुंच जाता है। इस तरह से एक एक आदमी दूसरी तरफ जाने लगता है। इनके पास वक्त बहुत कम था क्योंकि ठीक 18 मिनट बाद पुलिस वाले यहाँ पर राउंड मारने आते हैं। ये तो आपको पता ही है, 18 मिनट से पहले इन्हें सभी को यहाँ से भागना था। लेकिन चार्ली की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा था और चार्ली अब सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए चार्ली माइकल को कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम सभी यहाँ से भाग जाओ, मेरी जिंदगी जेल में ही रहने दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्रेटरी पुलिस ऑफिसर को आवाज लगाती है क्योंकि हेनरी उसे नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उन्हें अलमारी के अंदर हेनरी मिल जाता है। तभी हेनरी कहता है, जल्दी से जाओ और सिक्योरिटी अलार्म बजा दो क्योंकि कुछ लोग जेल को तोड़कर यहां से भागने जा रहे हैं। अभी माइकल रस्सी की मदद से दूसरी ओर जा ही रहा था तभी फायर अलार्म बजने लगता है। सारी पुलिस इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अभी सिर्फ मोटा आदमी ही बचा था, बाकी टीम के सभी आदमी दूसरी ओर पहुंच चुके थे। इसके बाद जब मोटा आदमी रस्सी की मदद से दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है तब रस्सी टूट जाती है, वह नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और मोटे आदमी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ माइकल और उसकी टीम यहाँ से बाहर भागने लगती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बचा है सिर्फ एक एपिसोड इस सीजन का, एपिसोड नंबर 2। उसमें क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।